वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं करने वाली हूं विंक इन अ ब्लिंक लाइनर का रिव्यू। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। ये पेपर बॉक्स पैकेजिंग है इसकी। इसके फ्रंट में लिखा है नायका विंक इन अ ब्लिंक आईलाइनर पेन। तो ये पेन लाइनर है और जो मैंने शेड लिया है वो है डार्क नाइट। इसका जो बैक है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह दी गई है। ये जो प्रोडक्ट है वो है 2.5 ग्राम का। ये जो प्रोडक्ट है वो पैराबिन फ्री है, नो एनिमल्स टेस्टिंग है, किसी भी तरह के एनिमल पर इसका टेस्ट नहीं हुआ है और ये वाटरप्रूफ है, वीगन है और स्मज प्रूफ है। तो चलिए देखते हैं, खोल के देखते हैं इसे। इस तरह से ये मार्कर पेन की तरह है। मैंने सबसे पहले इसको देखा तो मुझे यही लगा कि ये मार्कर पेन है। ये एक साइड स्टैम्प दिया हुआ है विंग बनाने के लिए और एक साइड लाइनर दिया है। विंग स्टैम्प दिया हुआ है वहां पे विंग लिखा हुआ है और जहाँ लाइनर दिया है वहां लाइनर लिखा हुआ है। तो इस तरह से काफी टाइट है इसका कैप। ये इसका स्टैम्प है एंड ये इसका लाइनर है। गाइस, मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है ये और आप इसको कहीं भी अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। इससे विंक लाइनर काफ़ी इजीली लग जाता है। मैंने इसको 3-4 बार यूज़ करके देख लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइनर। अभी भी मैंने यही लाइनर लगा के रखा है। नेक्स्ट मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा। एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप स्टैम्प करो तो बिल्कुल सही जगह पर आपको स्टैम्प करना है। इसको अपने आउटर कॉर्नर पर आपको स्टैम्प करना है, फिर आपको ये लाइन मिला देनी है। आप डेमो में देखिएगा, डेमो मैंने कैसे लगाया है ये लाइनर। विंक लाइनर लगाना सबसे डिफिकल्ट है। काफ़ी लोग विंक लाइनर नहीं लगा पाते, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। कहीं कभी कभी विंक लाइनर काफ़ी अच्छा लग जाता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। कभी एक आँख में अच्छा लग जाता है, कभी एक आँख में अच्छा नहीं लग पाता है। तो इस लाइनर से आपके दोनों आईज के लाइनर एक जैसे लगेंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जो विंक लाइनर लगाना पसंद करते हैं उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको लेने के लिए। और आई थिंक ये 550 रुपये का लाइनर है। जो भी है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँ ये कितने का है। और मुझे ये 494 का मिला था ये लाइनर। और चलिए पहले इसका डेमो देख लेते हैं। मैंने कितनी ईजली विद इन अ मिनट मैंने अपना विंक लाइनर बना लिया। ऐसे आप भी विंक लाइनर कर सकते हो। वैसे जनरली मुझे पेन लाइनर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत मुझे तो सबसे अच्छे लिक्विड लाइनर्स ही लगते हैं, बट मुझे ये वाला लाइनर काफी पसंद आया। तो देखते हैं कि ये लाइनर क्या क्या क्लेम करता है। सब ये लाइनर क्लेम करता है इसका कलर पे ऑफ काफी अच्छा है, आप देख सकते हो एकदम डार्क ब्लैक कलर है। तो ये बात सही है, इसका कलर पे ऑफ काफी अच्छा है। ये इसका लाइनर है, आप देखो एक मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रही, एक स्ट्रोक पे ही कितना अच्छा डार्क कलर दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा सूख जाने देते हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो गाइस, ये लाइनर ड्राई हो चुका है। पहले हम देखते हैं कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये लाइनर स्मज नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि ये वाटरप्रूफ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा इस पर पानी स्प्रे करूँगी।
देख सकते हैं ये टोटली वाटरप्रूफ है, पानी गिरने के बाद भी ये फैल नहीं रहा। अगर आप इस टाइम इसको स्मज करोगे तो ये स्मज हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ है बट अगर आप इसे स्मज करते हैं पानी गिरने के बाद तो ये स्मज हो जाएगा। बट ये अगर ड्राई है और आप इसको स्मज करोगे तो ये स्मज नहीं होगा। बट सो गाइस, ये लाइनर वाटरप्रूफ है बट अगर आपने इसको स्मज कर दिया, मीन्स अगर आपके मुंह पे पानी गिर गया या बारिश है तो पानी गिरेगा तो ये लाइनर कहीं भी नहीं फैलेगा। बट अगर आपने इसको रगड़ दिया तो ये आराम से स्मज हो जाएगा, बट ड्राई में ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है लाइनर। और नायका का विंक एंड ब्लिंक लाइनर का रिव्यू एंड डेमो, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लाइनर खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ जाके ये लाइनर खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से ये लाइनर रिकमेंडेड है। ये यहाँ ख़त्म होता है मेरा वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।